जाती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। माइंड सेट बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रिमिनल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन देश जागा। बलात्कार ये एक ऐसा अपराध है जिसकी संख्या दुनिया में हो रहे अपराधों में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में हर साल लगभग 2.5 लाख रेप के केस दर्ज होते हैं। और अब तो जैसे इन शब्दों को सुनने के हम सब आदि से हो गए, मगर 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की सड़क पर इन शब्दों का ऐसा दिल दहला देने उसने न सिर्फ पूरे देश, पूरी दुनिया, बल्कि पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। हे भगवान, हमारे इस उत्तर प्रदेश में ये बिजली की समस्या ना जाने कब खत्म होगी। देखो अब बच्चों के पढ़ने का टाइम हो गया है और ये बिजली भी। मेरा निर्भया को बुला देना, मैंने उसके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ये पैसे का बंदोबस्त कर लिया है। इतना सारा कर्जा ले रहे हैं आप बेटी की पढ़ाई के लिए और आपकी कोई आमदनी भी तो नहीं है। शहर में रहने के लिए गाँव की जमीन तक आपने बेच दी और दूसरे भी कितने कर्जे हैं। सारा पैसा क्या बेटी पे ही खर्च करोगे? बेटों के लिए कुछ रखोगे भी या नहीं? मैंने बेटा बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया है। तूने देखा है ना कि अपनी बिटिया पढ़ने में कितनी तेज है। देखना है एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी वो। और आज तो मैंने सिर्फ उसके लिए कर्जा लिया है, कल अगर उसके सपने पूरे करने के लिए मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा ना तो मैं वो भी करूंगा। आपने कहा कि आपने मेरे लिए कर्जा लिया और आप मेरे लिए खुद को भी। बेटा बाप हूं तेरा, तेरा हर सपना पूरा करना मेरा फर्ज है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी। वादा करती हूँ कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगी।
कौन हो जो मेरे लिए आंसू बहा रहे हो? जैसे आप हर जगह है वैसे मैं भी हर जगह वहां भी और यहां। आज अपने देश की एक बेटी की ये हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है निर्भया। सच कहूं तो जिस दिन मुझे गोली मारकर मेरी हत्या की गई थी उस दिन भी मेरी आत्मा ने इतना चीत्कार नहीं किया जैसा आज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्या देखने आए हैं आप कि आपके आजाद कराए हुए मर्द हम औरतों के साथ कैसे जुल्म कर रहे हैं? देखिए बापू, ये है आपके आजाद भारत की नारी, आजाद मर्दों की हिंसा और हैवानियत की शिकार। देखिए बेटी, मैंने तो मर्दों और महिलाओं सबकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और हमें आजादी मिल भी गई बापू। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम झंडा लहराते हैं, हम गाना भी गाते हैं बापू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आज के बाद कभी मैं ये गाना गा पाऊंगी? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक कह रही हो बेटी, ये वो आजादी तो नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था। सपना तो मैंने भी देखा था। डॉक्टर बनकर समाज सेवा करने का सपना, अपने माँ बाप के कर्ज उतार कर उन्हें थोड़ी सी खुशी देने का सपना, अपने भाइयों को ऊंची शिक्षा देने का सपना, मैंने भी देखा था सपना। और आज क्या हुआ? मेरे सपने, मेरी इज्जत, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ खत्म कर दिया। बापू, मैं, मेरी मामा हर बैठकर रो रही है, मेरे पापा, जब से मुझे इस हालत में देखा है पत्थर बन चुके हैं वो। अब वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी लाडली बेटी की अस्मत तार तार कर दी उन दरिंदों ने। क्या कसूर था मेरा कि मैं एक फिल्म देखने गई थी? मैं अकेली नहीं थी बापू, मेरे साथ मेरा दोस्त था। एक कम उम्र के लड़के ने कहा, दीदी बस खाली है आप बैठ जाइए। मैंने उसके भोले पर और चेहरे की मासूमियत पर विश्वास कर लिया। उसने मुझे दीदी कहा और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। क्या यही कसूर था मेरा? क्या कसूर था मेरा बापू? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटी। ये तो आप कह रहे हैं बापू, लेकिन आपके इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरी इस हालत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
या तो कोई महिला बैठी होती या बस आधी भरी होती तो वो चढ़ती तो ठीक था। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि समाज के लोग बलात्कार की शिकार एक लड़की को ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार बताने लगे। मुंबई की पल्लवी पुरकायस्था अपने घर में थी जब उसी की बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसका बलात्कार किया। मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग जो बलात्कार का शिकार होकर पिछले 39 साल से आज भी कोमा में है, हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पूरी कर घर जाने की तैयारी कर। साथ काम करने वाले एक वार्ड बॉय ने बलात्कार की कोशिश में कुत्ते बांधने की जंजीर से नर्स अरुणा का ऐसे गला दबाया कि वो जिंदा रहकर भी मर गई। और तब से अरुणा के ईएम अस्पताल में ही जिंदा लाश बनकर रह रही है और यही उसका पता बन गया है। और हाल में दिल्ली में 5 साल की बच्ची गुड़िया पर हुआ रेप। वो नंगी मासूम कैसे उकसा सकती थी किसी मर्द को कि वो उसके साथ भी वही भयानक अपराध करे। आसाराम के ऊपर एक नाबालिग के साथ जोधपुर के आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगा है। इस लड़के ने मेरी बहन के साथ रेप किया है। मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब दो महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने एक गाड़ी में बैठा दिया गया और उसमें से एक महिला का गैंगरेप हुआ। बलात्कार किन्हीं भी परिस्थितियों में स्त्री हर बार बेबस शिकारी होती, हर बार अपराधी होता है मर्द, उसकी बीमार मानसिकता। ऐसे मर्द औरत की असमत तार तार कर देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अगले शिकार की तलाश में। और औरत ऐसे हादसों के बाद जिंदगी भर आंसू बहाती रहती है। तुम क्यों चंद लोगों की बातें सुनकर दुखी हो रही हो? अगर भाई कहने से या कोई मंत्र पढ़ने से बलात्कार जैसे अपराध रुक सकते तो कब का इस समस्या का समाधान हो चुका होता। और स्त्रियां कैसे कपड़े पहन रही हैं समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि पुरुष उन्हें कैसी नजर से देख रहे हैं। लेकिन लोग तो यही सोच रहे हैं ना बापू, जितना दर्द मुझे इन राक्षसों ने दिया है उतना ही दर्द मुझे ये लोग दे रहे हैं। मुझे सहानुभूति दिखाने के बजाय ये सोचने के बजाय कि ऐसा कुछ करे कि आगे किसी भी निर्भया के साथ ऐसा ना हो, ये लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे। उन्हें माफ कर दो बेटी, उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों की बात तुम कर रही हो वो संख्या में दो चार ही है, बाकी सारा देश तुम्हारे साथ है। फांसी होनी चाहिए, फांसी दी जाए, चारों सबको जो फांसी सजा मिले, हर बलात्कारी को फांसी दी जाए। कोई भी नहीं समझ सकता कि उस रात मुझ पर क्या बीती थी। इस देश में द्रौपदी के चीरहरण से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक औरतों पर अन्याय का इतिहास बहुत पुराना है बाप। कभी मर्यादा के नाम पर, कभी परंपरा, तो कभी महज स्त्री धर्म के नाम पर हमने बहुत जख्म झेले। मगर उस रात मेरे शरीर पर जो जुल्म हुआ वो इंसानियत के इतिहास में किसी भी औरत के साथ नहीं हुआ। जैसे भूखे कुत्ते हड्डी पर टूट पड़ते हैं, ऐसे वो दरिंदे मुझ पर टूट पड़े थे। मगर हड्डी बेजान होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं जिंदा थी बापू, मैं जिंदा थी, अपने शरीर के हर हिस्से पर उनके घिनौने हाथ महसूस कर रही थी मैं। और फिर यातना का जो दौर मेरे साथ शुरू हुआ
मैं उनके लिए एक जिंदा इंसान नहीं थी, एक रबड़ की गुड़िया थी जिससे वो मन चाहे ढंग से खेल रहे थे। मेरा सारा अस्तित्व दर्द से करा रहा था। मैं रो रही थी, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, तड़प रही थी, चीख रही थी, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लोहे की सलाखे निर्भया के साथ हुए इस खौफनाक बलात्कार ने देश को हिलाकर रख दिया। हर घर में एक मातम था, डरी हुई आंखें, सहमी हुई जुबान और गुस्से से भरे दिल। हर इंसान पर इस हादसे का असर था। 16 सितंबर को अपने घर जाना चाहती थी, वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी जो पिछले 13 दिनों में उसके साथ हुआ या उसके लिए हुआ। वो एक फिल्म देखकर लौट रही थी इस बात से अनजान कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार है और वो खुद एक फिल्म बनने वाली है। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कल अगर हमें बेटी होती और उसके साथ भी यही हुआ तो? नहीं नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, ये भी तो सोचो शायद हमारा बेटा हो। और अगर बेटा होता है, किसी लड़की के साथ उसने ये किया तो? मैंने कह दिया ना, 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाएंगे आप। मगर दादाजी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। कुछ भी हो, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा। चल जाओ अपने कमरे में, जाओ। वाह, ये अच्छा है कि हम लड़कियां ही घुट घुट के मरे, और वैसे भी हम लड़कियां ही घुट घुट के मरती है। दिस इज डिस्गस्टिंग। इससे अच्छा आप अपने बेटों को घर से बाहर निकलना बंद क्यों नहीं कर देते? जब बाहर कोई मर्द ही नहीं होगा तो हमें किससे खतरा होगा? आप बकरी को पिंजरे में बंद करने के बजाय भेड़ियों को ही पिंजरे में बंद क्यों नहीं कर देते? पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बलात्कार के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। क्या वजह हो सकती है इसकी? कुछ लोगों का मानना है कि रेप तो हमेशा से इतने ही होते थे, बस पिछले कुछ सालों में चूंकि मीडिया की पहुंच लोगों की जिंदगी में बढ़ गई है, ऐसे मामले सामने ज्यादा आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग हर 20 से 25 मिनट में एक रेप होता है। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी 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 बात। मां कसम, क्या मस्का माल है यार। वे मस्का नहीं, दारू की बोतल है पूरी, वो भी इंग्लिश। बस एक बार मुंह से लग गई ना, इस बार नेताजी से कहेंगे अगर इलेक्शन भी जीतना है और हमारी कौम से वोट चाहिए ना तो हमें ये दिला दे। सच्ची बोलता हूँ वीडू, एक बार मिल जाए ना, अरे भाई जिंदगी सुधर जाए साली। माँ कसम, जिसकी कसम खा रहे हो उसे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? अरे बुढ़ा, कौन है तू? और ये गांधी का गेटअप करके कहाँ घूम रहा है? एड़ा हो गया क्या? चाचा चलो अटले यहाँ से, अगर रिजर्व बैंक को पता चला ना कि नकली नोटों के साथ नकली गांधी भी घूम रहा है तो अंदर कर देंगे तुझे। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी, और वो लड़की जो अभी यहाँ से जा रही थी? तेरी बेटी थी क्या? नहीं ना, तो वो मेरी बेटी थी जैसे तुम लोग मेरे बेटे हो। बापू नहीं मानते ना तुम मुझे, चलो चाचा ही मान लो जैसे तुमने अभी बोला था। अरे
रियल बापू है रे। बापू बापू माफ कर दो हमें, एक शर्त पे, तुम अपने कपड़े उतार करके मेरे पास छोड़ जाओ और ऐसे ही घर जाओ। क्या बापू आप भी ना अब हमारी इज्जत उतारोगे क्या? उन लड़कियों को भी ऐसा ही लगता है जिनसे तुम इस तरह की बातें करते हो, जैसे इस लड़की से अभी कर रहे थे, जैसे भरे बाजार में उन्हें किसी ने बेइज्जत कर दिया। तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं क्या, देश क्या, सारी इंसानियत शर्मसार है। एक तरह से तुम्हारी गुनाहगार है। बापू क्या स्त्रियों के साथ ये अत्याचार हमेशा होते रहेगा? ये कानून व्यवस्था से बढ़कर सामाजिक समस्या है। हर माँ को अपने बेटों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखाना होगा, उन्हें शुरू से ही ऐसे संस्कार देने होंगे। हर पुरुष को यह सोचना होगा कि ऐसी ही दुर्घटना अगर उसकी मां, उसकी बहन या उसकी बेटी के साथ हुई होती तो उसे कैसा महसूस होता। ये कभी नहीं होगा बाबू, हर पल हर रोज कोई ना कोई निर्भया कभी किसी बस में, किसी के घर में, किसी अस्पताल में इन दरिंदों का शिकार होती रहेगी। तुमने लोगों के दिलों में जागरूकता पैदा की है निर्भया, शायद ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से ज्यादा कठिन है, उससे भी शायद ज्यादा लंबी हो, लेकिन मैंने मानवता पर विश्वास खोया नहीं।